इस वक्त की बड़ी खबर, उल्फा चीफ अनूप सैकिया भारत को सौंपा गया है। सैकिया को बांग्लादेश ने भारत के हवाले कर दिया। ये मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है कि उल्फा लीडर अनूप चेतिया को भारत सौंप दिया गया है। अनूप चेतिया को भारत सौंपा जाना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जा रही। बांग्लादेश में चेतिया को पकड़ा गया था और पीएम मोदी की पहल पर अनूप चेतिया को भारत सौंप दिया गया है। इसे एक कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं भारत सरकार की। बांग्लादेश में चेतिया को पकड़ा गया, लंबे समय से इसकी तलाश थी। उल्फा का चीफ है अनूप चेतिया, जिसे लेकर लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी और इसके लिए भारत सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं अनूप चेतिया का पकड़ा जाना। अनूप चेतिया को बांग्लादेश में पकड़ा गया और मोदी सरकार की पहल के बाद अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया गया है। यानी सिर्फ वो पकड़ा नहीं गया बांग्लादेश में, बल्कि उसे भारत को सौंप दिया गया है और इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसे पीएम मोदी की पहल के बाद सौंपा गया है भारत को। उल्फा के चीफ अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया है बांग्लादेश ने। चेतिया की गिरफ्तारी बांग्लादेश में की गई थी। भारत लंबे समय से चेतिया की तलाश में था। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर, कब पकड़ा गया, कैसे हुई ये गिरफ्तारी और भारत को सौंप दिया गया अनूप चेतिया? ये बांग्लादेश बॉर्डर पे, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे इसे सौंपा गया है। काफी दिनों से ये, करीब 18 से 19 सालों से ये भागा हुआ था और इसकी हमें तलाश थी। लगातार भारत सरकार बांग्लादेश के साथ और आसपास के देशों के साथ लगातार इस पर दबाव बना रही थी और अब उसे सौंप दिया गया है। और ये कहें कि जो खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में जो एक इंसर्जेंसी को लेकर, ये इसमें एक आप कहें कि बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ खास करके आसाम में और बाकी आसपास के राज्यों में ये सरगना होता था, पूरा ऑपरेशन इसी के ये चलता था और इसके ऊपर कई सारे मामले हैं, कई सारे केसेस हैं। तो ये इसे बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा पर सौंप दिया गया है और ये बड़ी उपलब्धि आप हमारे लिए कह सकते हैं, भारत के लिए कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 18 सालों से ज्यादा से इसकी तलाश थी हमें। बिल्कुल, लंबे समय से तलाश थी और अब जब बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा पर पकड़ा गया तो भारत को सौंप दिया गया, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं भारत सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए।